गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए देखिए, अपनी क्लास 6 चल रही थी। सब्जेक्ट था मैथ, एक्सरसाइज 7.3 भिन्न चल रहा था। लास्ट क्लास में अपन ने क्वेश्चन 7 कंप्लीट कर लिए थे, दो क्वेश्चन रहे हुए हैं। चलिए आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है कि रमेश के पास 20 पेंसिल थी। रमेश के पास कुल कितनी पेंसिल थी? 20 पेंसिल थी। तो यहां पर लिख देते हैं रमेश के पास कुल पेंसिल बराबर कितनी थी? 20 थी। शीलू के पास 50 पेंसिल थी। यहां पर लिखते हैं शीलू के पास कुल पेंसिल बराबर 50 थी, और जमाल के पास कुल पेंसिल 80 थी। 4 महीने बाद रमेश ने 10 पेंसिल उपयोग में ले ली। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं जमाल के पास कुल पेंसिल बराबर 80। ठीक है, रमेश के पास कुल कितनी पेंसिल थी? 20। शीलू के पास कुल पेंसिल 50 थी, और जमाल के पास टोटल पेंसिल थी 80। आगे 4 महीने बाद रमेश ने 10 पेंसिल, शीलू ने 25 पेंसिल, और जमाल ने 40 पेंसिल प्रयोग में ले ली। ठीक है ना, इनका उपयोग कर लिया। तो यहां पर लिखेंगे रमेश द्वारा उपयोग की गई पेंसिल। रमेश ने कितनी पेंसिल उपयोग में ली है? 10। शीलू द्वारा उपयोग की गई पेंसिल, शीलू ने कितनी उपयोग की है? 25 पेंसिल, और जमाल ने 40। तो यहां पर लिखेंगे जमाल द्वारा उपयोग की गई पेंसिल बराबर 40। ये तीनों का हो गया। मेन चीज पूछा क्या है, देखिए प्रत्येक ने अपनी पेंसिल की कौन सी भिन्न प्रयोग में ली है। क्या पूछा गया है? भिन्न पूछा है। तो भिन्न का फॉर्मूला देखिए, क्या बताया था मैंने, भिन्न निकालना है तो कुल संख्या तो नीचे रखनी है, कुल संख्या। अब ये कह रहे प्रयोग में ली गई, तो यानी कि उपयोग में कितनी पेंसिल ली गई है, और बट्टे में क्या करना है अपने को, कुल पेंसिल, ये अपने को देखना है। ठीक है, तो चलिए तीनों का निकालना है। तो रमेश के पास कुल पेंसिल है 20, कितनी उपयोग की है? 10। तो उपयोग की गई पेंसिल होगी 10 बटे में कुल पेंसिल होगी 20। यदि इसको काटे 1 0 से 1 0 तो अपना आंसर आता है 1/2, ये अपना आंसर हो जाएगा। दूसरे में शीलू का भिन्न निकालता है, शीलू का, तो देखिए उपयोग में ली गई पेंसिल कितनी है? 25 बटे में कुल पेंसिल की संख्या कितनी है? 50। काटते हैं तो 25 से कम 25 और 25 दूनी 50, तो इसका भी कितना आता है? 1/2, ये भिन्न निकल गया। जमाल का देखते हैं, तो जमाल के पास कुल पेंसिल है 80, और उपयोग में ली गई पेंसिल की संख्या कितनी है? 40। तो यहां पर भी भिन्न निकालेंगे तो उपयोग में ली गई 40 बटे में कुल संख्या कितनी होगी? 8। 80, 1 0 से 1 0, 4 एकम 4, 4 दुनी 8, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा? 1/2। पहली चीज तो ये तीनों का भिन्न निकल गया। अब क्या पूछा गया है, जांच कीजिए कि प्रत्येक ने अपनी पेंसिल की समान भिन्न का उपयोग किया है। तो देखिए समान भिन्न,
इसमें कितना आया रमेश में? 1/2। शीलू में भी कितना आया? 1/2। और जमाल में भी कितना आया? 1/2। तो तीनों में सेम है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, तीनों ने समान भिन्न का उपयोग किया है। सिंपल सा आंसर था। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, तुल्य भिन्नों का मिलान, तुल्य भिन्नों का मिलान कीजिए और प्रत्येक के लिए दो भिन्न और लिखिए, भिन्न और लिखिए। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। एक नंबर दे रखा है 250/400। यहां पर ए नंबर दे दिया 2/3। सेकेंड नंबर 180/200। यहां पर बी नंबर आपको दे दिया 2/5। तीन नंबर आपको दे दिया 660/990। यहां पर सी नंबर आ गया आपके 1/2। चार नंबर आपको दे दिया यहां पर 180/360। यहां पर डी नंबर आपको दे दिया 5/8। और यहां पर पांचवें नंबर पर आपको दे दिया 220/550। यहां पर ई नंबर आपको दे दिया 9/10। सबसे पहले तो इनका मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए मिलान कैसे करते हैं, काटना पड़ेगा इसको। देखिए इनको छोटा से छोटा करते हैं, 1 0 से 1 0। 5 25, 5 8 40, तो इसका आएगा 5/8। तो किसके बराबर आ रहा है? देखिए ये आ रहा है डी के बराबर। किसके बराबर आ रहा है? डी के बराबर। इसी प्रकार से देखते हैं 180, 1 0 से 1 0 काट दिया। 2 की टेबल से काटते 2 नीम 18 और 2 2 20, तो ये आ रहा है 9/10। तो देखिए 9/10 कहीं आ रहा है, ये रहा, तो ये मिलेगा ई से। 660/990, तो देखिए 1 0 से 1 0 काटते हैं, 11 की टेबल से काटते हैं तो 11 6 66 और 11 निम्न 99, 6/9। तो देखिए कहां पर है 6/9, नहीं है। चलिए और कट रहा है क्या इसको, और काटते हैं। 2 3 6 3 की टेबल से कट रहा है, 3 2 6 और 3 3 9, तो 2/3। देखिए कहीं दिख रहा है 2/3, तो 2/3 ये देखिए ऊपर ही रहा, ऐसे मिल रहा है। जितना छोटा हो सके उतना छोटा करना है अपने को। ठीक है, तो चलिए 180/360 काटे। देखिए 1 0 से ये 1 0 कट गया, तो बचा कितना? देखिए 2 की टेबल से काटना है, यदि आपको 18 की टेबल आती है तो 18 की टेबल से देखिए दोनों कट रहे हैं,
ठीक है। यदि आपको 18 की टेबल में प्रॉब्लम है तो देखिए दो दो की टेबल से अपन काट सकते हैं, दो नीम 18, दो की टेबल से काटेंगे तो 18 बढ़ जाएगा। अब देखिए 3 3 9, 3 6 18, 3 1 3, 3 2 6, यानी कि 1/2 आ गया। तो देखिए 1/2 किससे मिल रहा है, ये सी से मिल रहा है। इसको भी देखिए 1 0 से 1 0 बचा क्या है, 22/55। देखिए दो की टेबल से कटता नहीं है, तीन की टेबल से भी नहीं कटता, डायरेक्ट ये 11 की टेबल से कटेगा। तो देखिए 11 का पहाड़ा आता है तो 11 1 11, 11 2 22, 11 5 55, तो कितना हो गया 2/5। तो देखिए 2/5 ये रहा 20 है, तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन में कहा गया है कि इन सबके प्रत्येक के अपने को दो भिन्न अलग से लिखने हैं, तो दो भिन्न अलग से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 5/8 है, इसमें 2 की गुणा करेंगे तो 5 × 10/16, 3 की कर देंगे तो 5 3 15/8 3 24, तो ये ऐसे अपन कर सकते हैं। तो चलिए आपको अलग अलग भिन्न भी बता देता हूं मैं। एक तो बताया 250/400, ठीक है, बराबर है 5/8 बराबर, यदि अपन और करना चाहें तो 5 × 3 और 8 × 3, 5 3 15 8 3 24, ये भी अपना इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा है 180/200 बराबर 9/10, तो अपन ने करा ही था। यदि अपन इसको 9 × 3 करें और 10 × 3 करें तो 9 3 27, 10 3 30, तो ये भी अपना आंसर हो जाएगा, एक अन्य भिन्न निकल गई। 4 से भी गुणा कर सकते हो, परंतु करना है दोनों में बराबर, ठीक है। 4 से करोगे तो ऊपर और नीचे दोनों में 4 से गुणा करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट है 660/990, इसका अपन ने निकाला था 2/3, और यदि और करना चाहे तो 2 × 3, 3 × 3, तो 2 3 6, 3 3 9, ये भी हो गया। और देखते हैं 180/360, इसका अपन ने 1/2 तो निकाले था, 1 × 3, 2 × 3, 3/6, ये भी सही है। और 220/550 तो है ही, इसका निकाला था 2/5 निकाला था अपन ने, इसको भी यदि करें 2 × 3, 5 × 3, 2 3 6, 5 3 15, ये एक भिन्न और निकल गया अपना, ठीक है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज अपनी 7.3 कंप्लीट हुई है। 7.4 आपके सिलेबस से हटा दिया गया है इस साल, तो नेक्स्ट अपन कल पढ़ेंगे अन्य प्रश्नावली के साथ। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।